नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो आप देखते हो ना, हम कभी रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, तो हमें अगर कुछ रुपये मिल जाते हैं, छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं, कुछ रुपये मिल जाते हैं तो क्या होता है कि आप मैक्सिमम होता है कि अगर कुछ मिल जाता है ना, तो कुछ तो लोग ये भी नहीं देखते कि किसी के हैं, ज़रूरतमंद के हैं या किसी के हैं। जो बहुत ही अच्छे लोग होंगे ना, वो तो उनको किसी को अगर देखेंगे कि भाई कोई है बंदा जिसका कुछ खोया हुआ है, उसको खोजेंगे। और कुछ ऐसे क्या होंगे कि उनको यूज़ कर लेंगे, और जल्दी से जल्दी, मतलब आज हाथ में कुछ लगा है, चलो आज तो पार्टी करते हैं। ये मैक्सिमम क्या है, लोगों की वो ख्वाहिश होती है। तो ऐसे अगर किसी को कुछ मिल भी गया ना, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन मिला है, कल कहाँ से लेके आओगे। और वो ये, अगर आप तुम पसीने मेहनत करोगे, पसीने की कमाई करोगे, तो वो तुम में एक आदत हो जाएगी, और तुम वो चीज़ क्या फिर पैसा कमा सकते हो। ये हर चीज़ है कि जो नॉर्मल चीज़ें मिल जाती है ना, वो चलती नहीं है ज़्यादा तक, लेकिन जो आप जो हमेशा तक आपको लॉन्ग लाइफ चीज़ें रखनी है, तो वो क्या आसानी से नहीं मिलती, उनको क्या आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है। और हमेशा वही जो कल परसों की एक बात कही थी कि एक तो जो आपको की पहचान से मिला हुआ काम, ठीक है, वो कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान है ना, जिंदगी भर रहती है। तो वह यही पे है कि अपनी मेहनत से कुछ करो, ठीक है, और मेहनत से कमाओ, वो जिंदगी भर बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो काम से पहचान कमाओ, पहचान से काम, मतलब कभी कि भाई मेरा आपका कोई जानकार है, वहाँ जानकार, उससे बातचीत की और आपने कोई काम ले लिया, नहीं, आप अपनी मेहनत करो और मेहनत से कमाओ, मेहनत से काम करो, वो आपको लॉन्ग लाइफ तक रहेगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप वो चीज़ें पाते हो। तो चलो कल के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं अभी। सबसे पहले तो रेपो रेट को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, तो रेपो रेट क्या है वो देख लेते हैं कि ए रेट ऑन विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक। तो वो रेट है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को मतलब ब्याज पे रुपया देता है। और कौन सा रेपो रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो आरबीआई कंट्रोल करता है। और पीएम मोदी इनोग्रेट सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू, तो अभी मोदी सर ने कौन सी, कहाँ से कहाँ के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी की थी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह तक, चेन्नई से लेके ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी की थी, टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, क्या मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन, तो 8 अगस्त 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, कि उनको लास्ट में गांधी जी ने बोल दिया था डू और डाई, अब अभी कुछ भी करो, करो या मरो, अब अंग्रेजों को क्या है, अब भारत से निकालना है, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। उन्होंने क्रिप्स वालों ने मिशन ने क्या कहा था कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या करेंगे, आपको क्या है, आपका इंडिपेंडेंट नेशन के लिए क्या है, सॉरी डोमिनियन नेशन के लिए आपको क्या, एक संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित करेंगे। और ये ऐसा कुछ नहीं था कि वो भारत की सेना का यूज करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसलिए था। और वो लास्ट में मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया था कि हम टू नेशन टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, तो इससे ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। और उस समय महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था। और इसके साथ में एक बात बताता हूँ, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चला था, वो समय था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डेट है, तो याद रख लेना, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905 ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन, और ये है 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट किसान रेल बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार, तो महाराष्ट्र एंड बिहार के बीच में चली गई, चलाई गई थी, जो कि जो पेरिशेबल चीजें हैं, जल्दी से खराब होने वाली चीजें हैं ना, जो सब्जी वगैरह है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा जाएगा, उसी के किसान की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो ये चीजें होती है ना, वो अपने लोकल बाजार तक सीमित रह जाती है, और अगर इसकी क्वांटिटी में ज्यादा अगर इसका प्रोडक्शन हो जाए तो इनका भाव गिर जाता है, तो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और अगर जैसे आप कोई टमाटर ले लिया, अगर टमाटर बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया और लोकल मार्केट में कंजम्पशन हो रहा है, तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, उनके भाव भी गिर जाएगा, तो वहाँ पे उसको एक उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो अभी जो एक कोल्ड रेफ्रिजरेटर वाली ट्रेन चलाई गई है, उसमें क्या है, अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से इसको दूसरी जगह ले जाएगा, तो एक तो उसकी सारी की सारी जो उपज है वो बिक जाएगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या है, उपज पैदा करेगा, तो ये अच्छी एक न्यूज़ है। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व, तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है, ये उसी उपलक्ष्य में मनाया गया था जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया था, और जो हैंड वो जो वीवन्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको एक सैल्यूट करने के लिए ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था, जो 2015 से अब तक मनाया जा रहा है। फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी, तो पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 10 अप्रैल 1917 में लॉन्च किया गया था,
और 10 अप्रैल 1917 के 100 वर्ष पूरे होने के बाद 10 अप्रैल 2017 में जो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र एस्टाब्लिश करने की बात कही थी, अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र कल ही इनोग्रेट किया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो ये भी याद रख लेना। और ये फर्स्ट सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया था, जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, उसके बाद जब उनको बिहार के जो किसान थे उनके बारे में बताया गया कि इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाई जाती है, फूड क्रॉप्स को बर्बाद करके क्या है वहां पे इंडिगो की खेती हो रही थी, और उनका ऋण भी बहुत ज्यादा था, तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इंडिया में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट है, हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जीसी मुर्मू साहब की जगह अभी मनोज सिन्हा, जीसी मुर्मू साहब ने रिजाइन कर दिया है, और अभी मनोज सिन्हा जी ये इन्होंने क्या है अभी नया टेक ओवर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप याद रखना, थोड़ा सा इसको लद्दाख के साथ कनेक्ट मत करना, लद्दाख एक अलग टेरिटरी है आपको जैसे पता ही है, तो उनके गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के अलग हो गए। नेक्स्ट है, हु इज द एडिटर ऑफ द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, तो इस बुक के एडिटर कौन है, परमेश्वरम अय्यर, इसके जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है वो इनके एडिटर हैं, और ये इसलिए न्यूज़ में, अभी हाल ही में इस बुक का हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया है, स्वच्छ क्रांति, ठीक है, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो आज की इंपॉर्टेंट थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट डे सबसे पहले देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल, जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। तो इंडिजिनियस पीपुल कौन से होते हैं, जो कहीं पे भी कोई देश हो गया, कहीं पे भी मान लीजिए कोई स्थान है, उसके जो ओरिजिनल पीपुल है जो वहां पे रहते थे, एक तो माइग्रेंट होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुछ ट्राइब्स हो गए जो इंडिया में बहुत पहले से रहती, उसके बाद आर्य यहाँ पे आए, तो आर्य नहीं, जो इंडिजियस पीपुल है, जो आदिवासी रहते हैं आज भी, उनके उनके क्या है ये वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे मनाया जाता है। और इनका एक चीज और देखना, जो अभी ट्राइब्स में जो बहुत संख्या में कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या है नेचर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, और ये क्या है नेचर से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते, तो ये इसके बारे में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आज COVID-19 के चलते इसकी क्या स्थिति है वो भी देखेंगे, तो इसके बारे में क्या है, रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल, तो इनके बारे में अवेयरनेस रेज करनी है, तथा इनके राइट्स को भी क्या है राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, तो ये भी एक इसी कारण ये वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे मनाया जाता है। तो इंडिजिनियस पीपुल बता दिया कि फर्स्ट पीपुल हो गए, फर्स्ट नेशन हो गया, अबोरिजिनल पीपुल्स हो गए, नेटिव प्लेस, नेटिव पीपुल ही दो तीन आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं आर द एथनिक ग्रुप्स वो आर ओरिजिनल अर्लीस्ट नोन एज इनहेबिटेड एरिया, जो मतलब सबसे पहले उस स्थान पर रहते थे उनके बारे में ये दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रपोज प्रोनाउंस कब किया गया था, दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा ये प्रोनाउंस किया गया था। तो अभी थीम 2020 की थीम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख लेना, COVID-19 है इंडिजिनियस पीपुल रिजिलेंस, कि उनकी लचीलता COVID-19 और उनके पास जो इंडिजिनियस पीपुल है वो इस COVID-19 से मतलब किस तरह लचील होकर मतलब इस बीमारी से वो सामना करेंगे, लड़ेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि ओरिजिन ऑफ COVID-19 हैव नॉट येट कन्फर्म, कि जो COVID-19 का ओरिजिन है अभी तक भी कन्फर्म नहीं हुआ, कि बोला जा रहा है कि चमगादड़ों से आया, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि चमगादड़ से आया, लेकिन जो लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको इतना पता जरूर था, पता जरूर है कि जो एनवायरनमेंट को अगर डैमेज होगा, और पेंडेमिक के बीच में लिंक जरूर है, अगर किसी आप एनवायरनमेंट को हम डैमेज करेंगे ना, तो पेंडेमिक जरूर आएगी, ये लिंक होता है एक दूसरे का। अब एनवायरनमेंट को लेके ये मतलब कि केवल आपने क्या किया वहां पे डेवलपमेंट कर दिया और कुछ क्या है कि पेड़ वेड़ काट दिया, एनवायरनमेंट को केवल एक छोटी सी परिभाषा में लेके मत चलना, एनवायरनमेंट का मीन्स जो जंगली जानवर हो गए, जंगल पक्षी हो गए, कुछ भी छोटे से छोटा जीव भी एनवायरनमेंट के आता है, अगर उसका भी हम नुकसान करेंगे तो भी वो एनवायरमेंटल डैमेज है। तो जैसे अभी वहां पे चाइना में क्या है, वुहान सिटी में क्या है, चूहे चमगादड़ सब कुछ खाया जाता है, तो वो भी एक तरह का एनवायरनमेंट डैमेज है, कुछ चीजें खानी तो कुछ कच्चे ही खाने लग जाते थे वो, तो कुछ तरीका होता है। तो ये क्या है कि ये पता था कि एनवायरनमेंट की डैमेज होगा तो पेंडेमिक जरूर आएगी, तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पता था, लेकिन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक अलावा और कोई लोग हैं जिनको भी ये चीजें पता थी, तो वो क्या है एक अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु हैज वेरिंग वेरिंग वरिंग, जो वो ऑलरेडी चिंतित थे वो किसके बारे में, कि अगर ये जो एंडेमिक है वो आ सकती है COVID-19 से पहले भी उनको पता था, क्योंकि वो लोग कौन थे इंडिजिनियस पीपुल, उनको पता था वो क्या एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं, वो एनवायरनमेंट को अपने आप से अलग ही नहीं करना चाहते, तो क्या उनको पता है कि अगर हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे, अगर उसको हनन करेंगे तो महामारी आएगी, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो अब दूसरी बात क्या है, इंडिजिनियस पीपुल क्या है, वो एक तो आप हम पूरी जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, अर्बन शहर हो गए, उनसे अलग रहते हैं,
तो फिर उनको इस समस्या से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने खुद ही अपना सॉल्यूशन खोजा है, ठीक है, कोविड-19 के चलते। तो आपने भी अगर न्यूज़ में सुना होगा कि जो पश्चिम अपने नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो कोई ट्राइब्स हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, उन्होंने अपनी बॉर्डर सील कर दिया, मतलब जो 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 ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे आदिवासी क्षेत्र हैं, उन्होंने क्या है किसी को आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको अपने आप को क्या सेल्फ ये आइसोलेशन कर दिया, सेल्फ आइसोलेशन कर दिया, एक तो वॉलंटरली आइसोलेशन कर दिया कि अपने आप ही वो आइसोलेट हो गए पूरी दुनिया से। थोड़ा बहुत तो आजकल का जमाना है, सब चलो इधर उधर मिलना जुलना होता है, तो उन्होंने क्या है अपने आप को आइसोलेशन कर दिया और उन्होंने अपनी टेरिटरी सील कर दी। तो उन्होंने क्या है गवर्नमेंट के उनको डिसीजन की जरूरत नहीं, उन्होंने अपने आप ही कर दिया। तो उनकी एक जो होती है ना सोच कि किस हद तक कितना अच्छा सोचते हैं और एनवायरमेंट के लिए भी कितना अच्छा सोचते हैं वो बताते हैं। तो इन्हीं के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आप याद रख लेना कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजनियस पीपल कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, कोविड-19 एंड इंडिजनियस पीपल रेजिलियंस। तो ये थोड़ा याद रख लेना। आजकल तो क्या है आपको पता है एग्जाम दोगे ना तो हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, तो आपको अगर हिंदी में बड़ी भाषा नहीं आता है तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में देख लीजिए। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे तो उसकी हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन हमें भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। चलो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। और दूसरा है 9 अगस्त 1925। तो हम थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री को भी जो इम्पोर्टेंट डेट है ना वो आपको मैं हमेशा कहता हूँ बताता चलूंगा कि आपको हिस्ट्री एक बार रिवाइज होता चले। और वो इंडिया सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या है 9 अगस्त 1925 को क्या था, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थे उसके मेंबर्स ने क्या किया, जो काकोरी में जो लखनऊ से 22 किलोमीटर दूर एरिया है काकोरी, वहां पे क्या गवर्नमेंट का जो खजाना था उस समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खजाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको लूट लिया था। अब वो लूटा किस लिए था आपको पता है, उस समय क्या है अंग्रेजों से लड़ते थे, हमारे पास लकड़ियां पत्थर वगैरह ये थे और वो बंदूक लेके आते थे, और क्या है हमें उनको खरीदने के लिए अगर आपको भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी है अपनी तो रुपया चाहिए। तो उस समय क्या किया, ये कॉन्स्पिरेसी रची गई कि हम भी खजाना लूटते हैं और उनसे मतलब ये जो अत्याधुनिक वेपन है उस समय की वो लेंगे। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी ड्यूरिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उस समय की गई थी, और इसके मास्टरमाइंड कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया और अशफाकुल्ला खान थे। तो एक छोटी सी चीज़ में आपका बीच में थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, लेकिन देखो आदमी दूर आदमी से आदमी दूर कैसे चला जाता है। जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तब हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर लड़े थे, ठीक है, और अपने देश को आजाद करना चाहता। लेकिन दूरियां किस तरह कोई भी दूरियां बढ़ा देता है, ये अपनी खुद की सोचने की बात है। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर और एक साथ चले थे, आगे बढ़े थे, तो फिर हम में इतनी दूरियां कैसे आ गई, ये सोचने की बात है। देखो राजनेताओं का काम होता है लड़ाने का काम, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ पॉलिटिक्स होते हैं ना वो लड़ा के अपना क्या पद बनाए रखने थे। तो ये उन अगर आदमी की सोचने की शक्ति कहाँ होती है, जब हम दूसरे के कहने पर लड़ जाएं, तो ये उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। तो ये होता है जब हम कंधे से कंधा मिला के जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो क्या हम दोबारा आगे नहीं जी सकते थे, लोगों ने फूट डाली और हम फूट के साथ चल पड़े। तो ये हमारी बहुत बड़ी मतलब कमी रही है। तो चलो आगे देखते हैं, तो अदर मेंबर कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे, केशव चक्रवर्ती थे और सचिंद्र बख्शी थे। तो अदर मेंबर्स थे। लास्ट में क्या हुआ, जब इनके बारे में पता चला, जब पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की गई, तो आजाद चंद्रशेखर आजाद की शिक्षा तक कॉन्फ्रेंस ही हो गई थी। क्या हुआ, इलाहाबाद में जो एक पार्क था अल्फ्रेड पार्क, वहां पे आजाद गए हुए थे किसी से मिलने, और वहां पे पुलिस को पता चला कि वो है, तो उनके साथ मुठभेड़ हुई। तो जब लास्ट में सारी गोलियां खत्म हो गई थी, एक गोली बची थी, तो आजाद ने कहा था मैं तो सदा ही आजाद रहा और आजाद ही रहूंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली और 27 फरवरी 1931 को वो इस दुनिया से चले गए। तो चंद्रशेखर आजाद का सही नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी नाम था। 1920-21 में जब उन्होंने गांधी जी के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में अपना नाम चंद्रशेखर आजाद रखा था, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, उनको क्या है डेथ की सेंटेंस दे दी गई थी, उनको फांसी की सजा दी गई थी, और जो और साथी थे उनको क्या है इम्प्रिजनमेंट में सजा दी गई थी। और इन दो चार बंदों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। तो आप थोड़ा सा हमेशा दूसरे की कभी भी बातों में आकर अपने भाईचारे में कभी भी आप याद रख लेना कि कोई कमी नहीं आनी चाहिए, फूट नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। नागासाकी डे 9 अगस्त 1945। और आज नागासाकी डे भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यूपीएससी वर्ल्ड वॉर 2 से भी सवाल पूछता है, और जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस के बंदे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या
उसके कारण थे क्या, आगे उसके इम्प्लीकेशन आए क्या, उसका इफेक्ट रहा, ये चीज़ें पूछा जाता है। तो नागासाकी में क्या है, जो फर्स्ट बॉम्ब क्या है हिरोशिमा में, फर्स्ट बॉम्ब लिटिल बॉय, तो बॉम्ब का भी याद रखना, लिटिल बॉय जो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को योशी ने ड्रॉप किया, और उसके बाद दूसरा बॉम्ब 3 दिन के बाद नागासाकी सिटी में जो जापान की 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया था। लेकिन ये पहले तो क्या बताया, बॉम्ब ने लगभग 1,29,000 से 2,26,000 लोगों के बीच में लोगों की मौत हुई, और लगभग सिविलियन थे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सेना से सेना लड़ सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सिविलियन को मारना बहुत मतलब गंभीर बात है। लेकिन वो उस समय की परिस्थितियां भी दूसरी थी। मैं नहीं कहूंगा, यूएसए को भी मना किया था कि आप यूज मत कीजिए जिस वैज्ञानिक ने बनाया था, लेकिन यूएसए ने अपना क्या पावर दिखाने के लिए ये, और अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए बॉम्ब का यूज किया था। लेकिन ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या है, जब जर्मनी की जो जो सेनाएं थी उनको जब यूरोप में हार मिल गई थी, तो क्या हुआ, जर्मनी ने वार कंक्लूड कर दिया था, यूरोप में वार कंक्लूड हो गया था। अब एक तो धुरी राष्ट्र थे और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये चीजें थी, ये थे, और मित्र राष्ट्र में यूरोप में इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये थे। तो जब जो धुरी राष्ट्र थे उनमें से जर्मनी ने वार कंक्लूड कर दिया था 8 मई 1945 को, और उसने क्या ट्रीटी साइन कर दी थी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया था, और यूरोप में वर्ल्ड वार 2 8 मई 1945 को साइन हो गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 8 मई 1947 को सॉरी खत्म हो गया था। अब क्या हुआ, जो अलाइज थे मित्र राष्ट्रों ने क्या अपना ध्यान रखा पैसिफिक थिएटर में, क्योंकि वहां को आपको बताया था कि जापान ऑलरेडी क्या है कि पर्ल हार्बर पे अटैक कर चुका था। ठीक है, और वो अभी क्या एशिया में अपना मतलब प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा जमा रहा था, एशिया पे लगातार अटैक कर रहा था। तो अलाइज ने क्या कहा था कि एक अनकंडीशनल, कि कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाएगी कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं, जापान की कोई सुनी नहीं जाएगी। और डायरेक्ट जो एम्पिरिकल जापानीज फोर्स है उनको बोला था, जो पोस्टमॉर्टम डिक्लेरेशन किया था कि 26 जुलाई 1945 को उन्होंने जो मित्र राष्ट्र, उन्होंने कहा कि ये डिक्लेरेशन है कि आप सरेंडर कर दीजिए, या फिर अल्टरनेटिव क्या है, प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, मतलब तुरंत बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को पता ही था कि वो ऑलरेडी एटम बम बना चुका है। तो उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी थी, लेकिन जापान ने ये चीज इग्नोर कर दी, और उसने वार एशिया में कंटिन्यू रखा, मतलब जो ये ईस्ट एशियन, जो ईस्ट एशियन नेशन है उन पे वार कंटिन्यू रखा था जापान ने। तो उसके बाद अमेरिका ने जाके एटम बॉम्ब, एक पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉ किया, और उसके बाद 15 अगस्त को जापान ने, 9 अगस्त के बाद 7-8 दिन के बाद, कितने, 6 अगस्त, 6 दिन के बाद जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर किया 2 सितंबर को उसने टोक्यो बे में साइन किया। तो इसी के साथ क्या है, वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिस्ट्री के बंदों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल के, साइंस के भी बंदों के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो श्री जीशी मुर्मू, जो हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, जो कि फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने रिजाइन किया था। उनको अभी क्या है, जो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो नियुक्त किया गया है। एंड तो आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, ये एक अथॉरिटी है जो कि एस्टाब्लिश एक ऑफिस है, वो आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रख लेना कौन सी आर्टिकल के तहत CAG की ऑफिस बनाई जाती है। तो ये आर्टिकल 148 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो CAG का काम क्या है, ये ऑडिट करता है जो रिसीप्ट एक्सपेंडिचर है, कि जो रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट में, जो रिसीव करता है, जो एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट, उनका सभी का क्या है, ये ऑडिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट हो गया। इसके साथ साथ जो आगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंक्लूडिंग दोज बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सिक्वेंटली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया। तो आप याद रखना कि एक प्राइवेट बॉडी का भी ये क्या है, ऑडिट कर सकता है, अगर वो फाइनेंस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्वेश्चन घुमा क्या, आपको यूपीएससी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकती है कि क्या CAG एक प्राइवेट बॉडी का क्या कर सकती है, मतलब ऑडिट कर सकती है। तो डायरेक्ट है, अगर वो फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, किसी तरह भी थोड़ा बहुत भी फाइनेंस है, तो उसका ऑडिट गवर्नमेंट, ये CAG कर सकती है। तो दूसरी बात है, CAG है वन ऑफ द बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि 4 पिलर हैं, जो आपको 4 पिलर हैं, तो एक पिलर मैंने बता दिया है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, 3 पिलर का आप नाम बता देते हो, चलो एक और बता देता, सुप्रीम कोर्ट भी एक, उनमें से पिलर, आप 2 पिलर का नाम आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करूंगा, फिर कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जो 2 बुलवार्क और बचे हैं डेमोक्रेटिक इंडिया का, उनको बताओ। अब डेमोक्रेटिक इंडिया का सिस्टम का ये बुलवार्क कैसे थे, कैसे बचाव करते हैं, कि अगर कोई गवर्नमेंट हो गई वो तो ऐसे पैसा खर्चा करता रहेगी, नहीं, आपके वो पैसा स्पेंड करते हो उनको हिसाब कौन करेगा,
सीएजी उसका हिसाब करेगा कि आपने पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया है। तो ये डेमोक्रेट इंडिया का एक बचाव है। तो इसका सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, और 6 साल के लिए इनकी ऑफिस होती है, और या तो 6 साल या इनकी एज 65 साल तक हो। तो ये दो टर्म्स रखे गए हैं। और आगे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। सीएजी एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, जो ये सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के। तो आप ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेना कि ये एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं आते हैं, ये एक पार्लियामेंट के एजेंट होते हैं, और जो कि कंडक्ट ऑडिट और एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बिहाफ ऑफ में ये ऑडिट करते हैं, और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। आपको कोई मिनिस्ट्री देख के पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, तो नो मिनिस्ट्री नथिंग एल्स, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो ये भी आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च फाइनेंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रिलीज बेनिफिट अंडर पीएम किसान टुडे। आज 9 अगस्त को क्या है, रिलीज करेंगे फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड रिलीज बेनिफिट अंडर पीएम किसान। तो इसमें क्या है कि 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल कैटलिस्ट द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स। तो क्या ये मतलब किसके प्रेरित करेंगे, क्या चीज़ बनाने के लिए है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देखते हो कि हम अगर किसान को क्या है कि गवर्नमेंट क्या है पैसा देती है, सब्सिडी देती है, सीड के लिए देती है, फर्टिलाइजर के लिए देती है, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर फसल मतलब हमने फसल तैयार कर ली और उसके बाद उसका सही से यूज़ नहीं हुआ, तो सारी जो पूरा पहले फसल से पहले की जो सब्सिडी है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर किसान की उपज होने के बाद अगर वो फसल खराब हो जाती है तो आपको पता है उस चीज़ का कोई मतलब रहेगा जो पहले सब्सिडी दी है? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या अलग अगला कदम उठाया कि पोस्ट अगर हार्वेस्ट कर ली उसके बाद किसान की फसल को कैसे यूज़ किया जाए, उसको बर्बाद होने से बचाया जाए और उसकी अच्छी उपज का अच्छा पैसा दिया जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले भी देना है लेकिन पहले के बाद में जब हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद भी अच्छा से अच्छा यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या है, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट बनाए जाएंगे। तो एसेट में क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज हो गया, कलेक्शन सेंटर हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया। अब मान लीजिए पहले गवर्नमेंट ने रुपए दिए कि मतलब कि टमाटर की खेती करनी है, बहुत सारे सीड भी दे दिए, इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन बहुत सारे और मतलब बहुत सारे टमाटर भी पैदा कर दिए किसान ने, लेकिन टमाटर के बाद क्या होता है कि बहुत सारे टन में अगर बहुत मात्रा में टमाटर पैदा कर दिया लेकिन आगे आप कोल्ड स्टोरेज नहीं है आपके पास, तो उस पैदावार का क्या मतलब होगा, वो तो सड़ जाएगा, तो पैसा भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद और कोई मतलब वापस उपज भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें इनसे बचाव करने के लिए क्या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बनाएंगे, कलेक्शन सेंटर कि आपने उपज कर ली लेकिन उनको कोई कलेक्ट नहीं कर रहा, खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब होगा। प्रोसेसिंग यूनिट कुछ भी मतलब गन्ना उपज कर लिया और मिल नहीं है उसके बराबर, मिल खरीदने के लिए मिल नहीं है, आप गन्ना खरीद कर लिया, एक महीने तक गन्ना बाहर पड़ा है वो सूख जाएगा। अगर मिल एक मिल के पास लोड ज़्यादा आ गया और वो शुगर बना ही नहीं पा रही है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे गन्नों के ट्रैक्टरों की लाइन लगी है, तो प्रोसेसिंग यूनिट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो साथ साथ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, रिलीज जो 6th इंस्टॉलमेंट फंड है, 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट था वो भी गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया, जो 17,000 करोड़ रुपये का है, जो 8.5 करोड़ जो किसान है उनको का 6th इंस्टॉलमेंट है वो भी मतलब रिलीज किया है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना स्कीम क्या है, तो ये पीएम किसान योजना पूरी है, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना जो कि लॉन्च की गई थी 1 दिसंबर 2018 को, और जो कि प्रोवाइड क्या करता है, डायरेक्ट कैश बेनिफिट करता है कि मतलब किसान के खाते में कुछ रुपया देती है कि वो लगभग और 75 करोड़ to 9.9 करोड़ फेम फार्मर्स को इतना रुपये देती है, किस लिए कि वो एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर जाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, ताकि किसान की जो आत्महत्याएं हो ना तो धीरे धीरे कम हो और किसान की क्या उपज जो अपने जो कुछ उपज का जो रुपया है ना वो अपने अपने भविष्य में वो लगा सके। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है अभी, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक रूप है। तो अभी पॉलिसी से क्या क्या एनालिसिस स्पेंट, ये पेंट नहीं है यार, स्पेंट करेगा लगभग 8,000 करोड़ रुपया एनुअली, एक साल में 8,000 करोड़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो यह इस पॉलिसी क्या होगा कि बूस्ट जॉब क्रिएशन होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग होंगे, क्रिएट्स एंड इनोवेशन ड्राइव इकोसिस्टम होगा स्टेट में। तो अभी इसके लिए मतलब कोई ना कोई चीज़ें होंगी। तो अभी कंपनी क्या करेगी, अगर जो कंपनी है जो चाइना से शिफ्ट होना चाहती है, एक तो पता है कोविड 19 के चलते बहुत सारी कंपनियां चाइना से बाहर निकल रही है, और दूसरा कि दूसरी अगर कंट्रियों से भी अगर कोई कंपनी बाहर निकल रही है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के तहत,
तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहा है कि उसका बेस आपको वेलकम है हमारे गुजरात में, आपका गुजरात में स्वागत है, आप यहाँ आके बेस बनाइए, जो भी कंपनी दूसरे देशों से आ रही है हम इंडिया में गुजरात में आपको स्थान देंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या एक 9 टास्क फोर्स की कमेटी गठित की है, तो याद रख लेना 9 टास्क फोर्स की कमेटी गठित की है उनकी सहायता करने के लिए। फिर ऑफर्स कैपिटल सब्सिडी, मतलब कैपिटल तो आपको पता है रुपया होता है, तो उस पर भी कुछ एसेट्स हो गया कुछ भी हो गया किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए जो कैपिटल बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको ह्यूमन कैपिटल भी हो गया और मनी भी एक तरह की कैपिटल ही है, जगह लैंड कैपिटल भी है, तो उसको क्या है कैपिटल पे सब्सिडी भी दे रही है और टैक्स इंसेंटिव भी उनको इंडस्ट्री यूनिट को दे रही है, मतलब टैक्स भी मतलब उनका कम कर दिया जाएगा। अब क्या है इंडस्ट्रीज विल कंटिन्यू टू गेट एग्जम्पशन, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उनकी वो 5 साल तक ही गुजरात ने माफ मतलब नहीं देगी, एग्जम्प्ट कर दिया है। तो कोई भी कंपनी होगी अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो लगेगी एग्जम्प्ट है तो वहां जाके करेगी, उनको जल्दी से जल्दी लैंड मिल जाएगी, उनको अच्छा लेबर मिल जाएगा, और उनको जो ब्यूरोक्रेसी में जो टाइम लगता है ना किसी का अप्रूवल लेने के लिए अगर वो कम रहेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो रहेगा, तो कोई भी कंपनी जल्दी से जल्दी वहां जाके एस्टाब्लिश होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लीज की गवर्नमेंट लैंड है उसको 50 साल तक के लिए 6% मार्केट रेट पे ही लीज पे दे रही है, तो ऐसी चीजें होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अभी क्या गवर्नमेंट अगर ऐसे दूसरे स्टेट में ये नॉर्म्स थोड़े हार्ड है और गुजरात में थोड़े इजी हैं और वहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चीप मिल जाती है, लैंड मिल जाती है, तो कोई भी कंपनी होगी डेफिनेटली गुजरात में ही जाना पसंद करेगी। तो ये चीज़ें होती है और इंडस्ट्रियल डेवलप कोई भी डेवलपमेंट होता है तो ये मेन जो पिलर्स होते हैं कहीं पे भी। नेक्स्ट न्यूज़ है एयर क्रैश केरला, तो आपको बताइए कि अभी एक एयर क्रैश हुआ था केरला में तो उसके बारे में बताया गया। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश डेट कोझिकोड, तो कोझिकोड में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का जहाज क्रैश हुआ था। अब इसका मेन काज क्या था, क्रेश ये क्रेश नहीं क्रेश है ठीक है, क्रेश का क्या था ओवरशूट ऑफ रनवे, मतलब रनवे होता है ना उससे जो एक लेंथ का मतलब 3 किलोमीटर का रनवे और जहाज ने लैंड किया, या तो जहाज क्या शुरू में इनिशियल स्टेज पे ही रनवे पे लैंड कर जाता है। देखिए बताता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे ये रनवे है तो इस पे जहाज यहाँ पे टच डाउन करता है, तो यहाँ पे टच डाउन करता है तो यहाँ पे यहाँ तक जाते जाते जहाज को रुक जाना चाहिए, या वहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जहाज को आते आते रुक जाना चाहिए। तो अगर किसी कम से या तो जहाज का क्या होगा कि वहाँ से इनिशियल स्टेज पे टच डाउन नहीं हुआ, वो आगे जाके टच डाउन होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो वो इस स्टेज पे आके रुक नहीं पाता है, तो वो क्या होता है रनवे को ओवरशूट कर जाता है, मतलब इस जो एंड होता है इससे बाहर निकल जाता है, तो उसको रनवे का ओवरशूट बोल जाता है। लेकिन क्या है मैक्सिमम इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है ठीक है, वो क्या रनवे के आगे जाके आगे मिट्टी का एरिया होता है रनवे के आगे, ऐसे जैसे ये एरिया ना यहाँ पे आगे मिट्टी के आके रख के रुक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है कि ये रनवे था टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे क्या होता है कि ये जैसे पठारी भाग है जैसे ना ठीक है, और इसके नीचे तुरंत क्या है यहाँ पे क्या खाई है, जैसे ये हो गया ये हिस्सा है ना इसको आप ये मान लीजिए ठीक है, तो इस साइड में रनवे है और नीचे सीधी खाई है, तो इसको टेबल टॉप रनवे माना जाए, तो जितनी दूर में रनवे है उतनी दूर में एक टेबल सरफेस है, और उसके टेबल सरफेस के बाद आप टेबल पे देखिए उसके डायरेक्ट नीचे मतलब गिरने के लिए जगह होती है, तो उसी की वजह से ये ज़्यादा हानि हुई है कि जहाज वहाँ से दौड़ के आया यहाँ से रुक नहीं पाया और यहाँ पे नहीं रुक पाया और यहाँ आने के बाद सीधा खाई में नीचे गिर गया, तो इसी की वजह से जो पायलट है उनकी भी डेथ हो गई। तो अभी क्या है कि जो ब्लैक बॉक्स होते हैं जो जो इस टाइप का ये ब्लैक बॉक्स होता है ठीक है, तो दोनों ब्लैक बॉक्स एक तो हो गया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, एक पर तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है सीवीआर होता है, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, दोनों को मतलब ले लिया। तो अब याद रखना ये कलर पीला होता है इनका ठीक है, ऑरेंज कलर होता है तो मैं बताऊंगा। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है एक्चुअली, टू ऑरेंज टू TWO2 है ना, टू ऑरेंज मेटेलिक बॉक्स कंटेनिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। तो अब क्या है कि ये अगर आग लगे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से बने होते हैं कि स्टील हो गया टाइटेनियम हो गया उनसे बना होता है, कि अगर इस पर आग भी लग जाए कुछ भी हो जाए पानी में भी चले जाए तो ये खराब नहीं होते हैं ठीक है, इनमें इंसुलेटेड फैक्टर्स भी लगे जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, एक्सट्रीम से कितनी भी हीट हो कितनी भी कोल्ड हो कोई भी वेटनेस हो वेटनेस मतलब गीला भी हो जाए तो ये मतलब कुछ नहीं होता खराब नहीं होते हैं। तो इसके इनसे पता चल जाता है इसमें जो पायलट का कम्युनिकेशन होता है, पायलट ने क्या जहाज में काम किया है कौन सा बटन दबाया है, पायलट और ATC की बात होती है वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है, पायलट ने क्या क्या कम्युनिकेशन किया है सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कहाँ गलती हुई है इससे पता लगाया जा सकता है। और इनमें साथ साथ क्या एक बीकॉन भी होता है जो कि अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है 30 दिन तक, ये अगर ये कहीं पर अगर पानी में गिर गया है तो इसको खोजना हो ना तो ये क्या एक 30 दिन तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता रहता है कि ये यहाँ पे है तो उससे पता चला जा सकता है। हाँ इसके कुछ जो होते हैं क्या बोलते हैं उनको थोड़ा सा अलग उदाहरण भी है कि जैसे एयर मलेशिया का हुआ, एयरफोर्स का एक जहाज N-32 जो गिरा था जो अपने अंडमान निकोबार जाते समय वो अभी तक भी नहीं मिले हैं, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो खोज नहीं पाए हैं अभी तक उनको,
लेकिन क्या नॉर्मली इनको खोज लिया जाता है इनमें बीकन की वजह से। ठीक है, तो ये देख लेना, इसमें जो पायलट थे वो फॉर्मर एयरफोर्स के पायलट थे, उनकी भी जान चली गई। उन्हें बताया गया वो अभी अपनी माता जी के मतलब बर्थडे पे सरप्राइज विश करने आ रहे थे, लेकिन कोशिश करते हुए उन्होंने जो जो पेशेंट्स जैसे उनको जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना भगवान कभी बचाता है कभी साथ साथ अपने पास बुला लेता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलो आगे की न्यूज़ देखते हैं अभी। और अभी के इंडियन इकोनॉमी हिट, तो आपको पता है COVID-19 के चलते जो इंडिया की इकोनॉमी है वो हर देश की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी नहीं हर देश की इकोनॉमी क्या हिट पे, मतलब नीचे नीचे गिरती जा रही है, लेकिन इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक रहे, फॉरेक्स रिजर्व शूटिंग अप, वो बढ़ता जा रहा है। तो ड्यू टू कोविड-19 ऑल सेक्टर्स आर क्लोज इकोनॉमी है ना, सारा की अंदर स्ट्रेस के अंडर स्ट्रेस में, सारे के सारे जो स्ट्रेस में है, लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व है ग्रोइंग अप हो रहा है, मतलब ऊपर के ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। आपको पता भी है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी सबसे ज़्यादा डॉलर $534 बिलियन हो चुका है, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट है होल्डर ऑफ रिजर्व, जो दुनिया में पाँचवा सबसे ज़्यादा अभी फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करता है वो इंडिया है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए गुड है, अच्छा है कि अभी इंडिया क्या है, इट कैन कवर इंडियन इम्पोर्ट बिल एक साल से ज़्यादा, अगर आज से अब एक साल से ज़्यादा के अगर कुछ खरीदारी करें तो ये इस फॉरेक्स रिजर्व से हम खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी जो पांचवे पे भारत है, उससे पहले चार कौन कौन से, चाइना हो गया, जापान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और रशिया हो गया, इनका फॉरेक्स रिजर्व इंडिया से ज़्यादा है और इंडिया पांचवें नंबर पे है। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब सारी अर्थव्यवस्था खत्म अभी डावाडोल में है, लेकिन हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है? तो एक तो FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। वो कैसे ज़्यादा बढ़ा, कैसे कि गवर्नमेंट ने पिछले साल सितंबर में किया था, तो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं जो कंपनी पर टैक्स लगता है ना, उनको रिड्यूस कर दिया था, उनको काट दिया था। तो रिड्यूस करने के बाद क्या है, कोई भी जैसे बॉन्ड खरीदना है किसी बाहर की कंपनी को, बाहर से बंदे को, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा ना, तो जो कुछ बॉन्ड खरीद देता है तो वो क्या बहुत ज़्यादा वो खरीदा गया है कि जो कंपनी कोई बाहर की कंपनी अभी हुई वो भी आगे यहाँ पे बॉन्ड खरीद सकती है और अपना ले सकती है, इन्वेस्टमेंट मतलब कर सकती है किसी कंपनी के अंदर। जो शेयर वगैरह खरीदना होता है ना उसको बोलते हैं FPI वगैरह। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने कटने के बाद क्या वो बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा कि COVID-19 के चलते कि एक तो जो क्रूड प्राइस है उनका क्या है बहुत कम मतलब डीप हुआ, मतलब क्रूड प्राइसेस बहुत डाउन हो गई, तो उनकी वजह से हमें क्रूड प्राइसेस को ज़्यादा चुकाना नहीं पड़ा, कम चुकाना पड़ा। और दूसरा कि पता आपको पता है COVID-19 के चलते क्रूड ऑयल आया भी कम है। दूसरा है, और इसमें चाइना ने अच्छा कदम उठाया, जैसे क्रूड ऑयल जो है उसकी रेट कम हुई तो उसने बहुत सारा जो ऑयल इतना खरीद लिया कि वहाँ पर खुद भी स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो कुछ चीज़ें चाइना ने अच्छे कदम भी उठाए, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा किया है, और ऐसा काम होता है जब रेट डाउन होती है ना तो इंडिया को भी खरीद लेना चाहिए। और दूसरा क्या है, इम्पोर्ट सेविंग, अब लॉकडाउन के चलते ग्लोबल ट्रेड है वो इम्पेक्ट हुआ है, तो अभी इम्पोर्ट बंद हो गया था, इम्पोर्ट बंद हो गया तो इंडिया को वो इम्पोर्ट नहीं आया तो पैसा देना नहीं पड़ा, तो वो अभी रुक गया। बहुत सारे लोगों को आपको पता है सब कुछ बंद थे, आपको बाहर की कोई चीज़ ही नहीं मिली, बीज चाहिए नहीं, तो वो इम्पोर्ट बंद हो गया था। FDI हो गया, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है बहुत सी कंपनियां दूसरे से देशों से निकल निकल, जैसे चाइना का उदाहरण ले लो, चाइना से निकल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी है, तो इससे भी ये रिजर्व बढ़ा है। और डीप इन गोल्ड इम्पोर्ट्स, और सबसे ज़्यादा एक जो इम्पैक्ट होता है वो गोल्ड पे होता है, गोल्ड पे सबसे ज़्यादा इंडिया खर्चा करता है। लोग क्या होते हैं कि गहने बना लो, गहने बना लो और उसको घर में बंद बना क्या ताला लगा के रख देते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं वैसे देखा जाए तो, कि आपको देखो दूसरे देशों में कोई भी सोना नहीं पहनता, लेकिन इंडिया में क्या है इसको एक अच्छा साधन माना जाता है आपको घर में रुपए रखने का। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं सोना खरीद के अपने घर में रख लेते हैं, बैंक में भी नहीं रखते हैं। तो वो अभी सोना है ना उसको भी क्या है उसका इम्पोर्ट भी बहुत नीचे लेवल पर चला गया COVID-19 के चलते। तो अगर सोना नहीं खरीदोगे तो आपका रुपया बाहर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व बहुत बढ़ गया है। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या है, एक कैश रिजर्व असेट्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, जो कैश हो गया और रिजर्व असेट है जो सेंट्रल बैंक रखता है, मॉनेटरी और अदर मॉनेटरी और भी मॉनेटरी अथॉरिटी अगर दूसरी है अपनी तो RBI है, तो वो रखता है कि जो आर प्राइमरीली अवेलेबल टू बैलेंस पेमेंट, कि अगर कोई भी कंट्री को इंडिया को अगर कोई सामान खरीदना है तो वो दूसरे देश को बैलेंस पेमेंट देगा, मतलब उसका पेमेंट देके सामान खरीदेगा। तो मैक्सिमम क्या है ये डॉलर में होता है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व दूसरे देश की मुद्रा में रखा जाता है, हम चाइनीज का जो करेंसी है उसमें भी रख सकते हैं, सोने में भी रखते हैं, और इंडिया का जो IMF का जो इनमें जो रुपया है वो भी एक तरह का जो आपका IMF से कितना लोन ले सकते हो वो भी फॉरेक्स रिजर्व में आता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद कर लेना। तो आज के लिए न्यूज़ के लिए इतना ही, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो पूछा गया है थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल, की थीम क्या है 2020 की वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे की। दूसरी दूसरा क्वेश्चन है मेंबर ऑफ, तो कौन सी एसोसिएशन है उनकी मेंबर ने, जो काकोरी कांड हुआ था जो उसमें ट्रेन लूटी थी, तो कौन सा एसोसिएशन है उसके मेंबर्स ने काकोरी
कांड में ट्रेन लूटी थी। जापान जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है उसने कब साइन किया था जापान ने, उसके बाद में वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया था। यूएसए ने जो सेकंड एटम बम गिराया था वो मतलब उसका नाम क्या था और सेकंड एटम बम कौन सी सिटी पे गिराया गया था, तो ये भी आपको बताना है। अभी टेक ओवर जो सीएजी है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो टेक ओवर किया उनका नाम बताना है। नेक्स्ट न्यूज है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज अथॉरिटी एस्टाब्लिश्ड बाई कौन से इंडिया के आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कौन से आर्टिकल के तहत इसको एस्टाब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है सीएजी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये बताना है। प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताया गया था। सीएजी होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है और उनका टर्म कौन सा है और कहाँ तक है, मतलब दोनों बताना है कौन सा या क्या दोनों है, तो कौन तो अपॉइंटमेंट करता है और उनकी टर्म क्या है। ब्लैक बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिट होता है ये बताना है। और इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skbincher.blogspot.com पे, तो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आशा करूँगा कि आप लाइक बटन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं एक से आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो मैं थोड़ा ज़्यादा जोर देके कहूँगा कि आप डिसलाइक किए, तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि हम भी उसको सुधार कर सकें। तो आज के लिए न्यूज़ के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आज के जो आंसर्स, आज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर के साथ और नई न्यूज़ के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।